मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी डैडी, क्या बात करनी है? एक बहुत अच्छी फैमिली है, पढ़े लिखे लोग हैं, सुलझे हुए लोग हैं, और लड़का भी बड़ी अच्छी पोस्ट पे है। मैं चाहता हूँ तुम्हारी शादी वहाँ करना। आप क्या चाहते हैं? अरे जन्नी, अरे किधर रह गया था यार तू? अरे नादिर भाई, बड़ी जबरदस्त खबर लाए हम। अरे हाँ, तो पहले वो ही बोल ना। वो कल लड़की जा रहा है। लड़की कहाँ? एयरपोर्ट, फैसल शाहिद को बता रहा था। शाबू, बस तू गाड़ी तैयार रख। लेकिन सच पूछो तो हम चाहता हूँ कि आप इस तरह नाराज होकर यहाँ से नहीं जाओ। अगर हमसे कोई गलती हुआ है तो हम माफी मांगता हूँ। कोई बात नहीं फैसल, वैसे भी मुझे अम्मा ने बहुत प्यार दिया, बहुत ख्याल रखा मेरा, मेरे लिए यही काफ़ी है। मैं दिल में मैल नहीं रख सकती, आपको पता है मैं ज़्यादा ट्रांस में नहीं रह सकती हूँ। ये तो हमको अंदाज़ा हो गया है। कब किसको क्या बुरा लग जाए कुछ पता ही नहीं चलता, इसलिए मैं बात को पहले समझने की कोशिश करती हूँ। और आजकल तो मैं वैसे भी उरू से दोस्ती करने की कोशिश कर रही हूँ। बहुत मेच्योर बातें करती हैं। मुझे लग रहा है कि भाईजान का फैसला बिल्कुल दुरुस्त था। उनके फैसले से ज़्यादा मुझे अपना फैसला ठीक साबित करना है। शादी का फैसला सिर्फ उनका तो नहीं था, मेरा भी था। दुबला के जाने का इरादा हो गया है? जी अंकल, मैं जा रही हूँ। दुबला का भाई तुमसे मिलने के लिए बड़ा बेचैन है। वो हमको बोला कि हम तुमको समझा दे, लेकिन हमको लगा कि तुम खुद समझदार है। अब तुम मिलना नहीं चाह रहा है तो कोई ना कोई तो वजह होएंगी ना। ना कौन सा बहन है जो अपना भाई से मिलना नहीं चाहते है? मेरी माँ तो मर चुकी है और मैं अपने बाप को इस बात का कसूरवार नहीं ठहराती। अच्छा, तो फिर मुझसे बात क्यों नहीं करती? मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, पर जिस रिश्ते की जगह आपने ली है ना, वो मेरी माँ की थी और मुझे बहुत तकलीफ और जेलसी होती है। मुझे तुम्हारे दुख का एहसास है। बाहर आओ रे। कौन है आप लोग? अरे हम बोल रहे बाहर आओ, चुप करो, बकवास बंद। अरे तू बीच में मत आओ, हम बोल रहे तेरे को। मैं इसको ऐसे नहीं जाने दूंगा। अरे हम नादिर उठा डालूंगा तेरे को। मेरे को भले ठोक दे, लेकिन लड़की को छोड़। अरे मेरे हाथ छोड़। चलो आज ना मेरी तुम्हारी चची से बहुत बातचीत हुई है, बड़ी कमाल की बंदी है, खानदानी लगती है मुझे तो। इसका मतलब कि अयाज चाचा का फैसला दुरुस्त था और हम तो बिला वजह ही उससे चिढ़ रहे थे। हाँ ना, सच में मैं तो भाई उससे बहुत इम्प्रेस हुई हूँ। हाँ, हमें भी सुनकर खुशी ही हो रही है, अगर आप कह रही हैं तो मान लेते हैं। देखो तो कितनी समझदार खातून है, मुझे कहती है कि अरूज से मैं दोस्ती करना चाह रही हूँ। वैसे ठीक ही है, मैंने भी कहा थोड़ा टाइम लगेगा, सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि अरूज भी तो उनसे दोस्ती करना चाह रही है। तो हम क्या कह रहे हैं, हमें क्यों बता रही हैं सब कुछ आप? देखो तुम दोनों उसकी हकीकत पसंद होने का अंदाजा लगाओ। वो ये नहीं कह रही कि मैं उसकी माँ बनने जा रही हूँ, और सबसे बड़ी बात वो अरूज को एक्सेप्ट करने का टाइम दे रही है। इसकी जगह कोई और औरत होती ना तो वो तुम्हारे चाचा के कान भरती कि भाई तुम्हारी बेटी तो मुझे कबूल ही नहीं कर रही। जी अच्छा लग रहा है ये सब कुछ सुनकर, मगर सिर्फ आपको। अरे और तो और, वो तो अरूज की शादी के लिए भी बहुत फिक्रमंद है। हो सकता है कि वो ये सब कुछ उस झंझट से निजात हासिल करने के लिए कर रही हो। अरे नहीं भाई, उन्होंने ये फैसला भी उरूज पर छोड़ दिया है, बल्कि अब हमें भी तुम दोनों के रिश्ते के बारे में सोचना होगा। लेकिन मम्मा, कोई ढंग का रिश्ता भी तो हो ना। अब देखें, ऐसे वैसे से तो हम शादी नहीं करेंगे। आजकल ढंग के रिश्ते मिलते ही कहाँ हैं, बल्कि ढूंढने पड़ते हैं। अच्छा एक बात बताओ मुझे, तुम्हें वो शाहिद कैसा लगता है? कौन शाहिद? वो लियारी वाला? हाँ, लड़का तो
बहुत अच्छा है। हाँ लड़का तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसके आगे पीछे कोई नहीं है और अभी तक तो वो कोई काम भी नहीं करता। अरे मम्मा अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, कब तक मछलियाँ पकड़ेगा, कोई अच्छी जॉब करेगा, इतना अच्छा है वो। भाई मछलियाँ पकड़कर कितना कमा लेगा और कब तक मैं लड़की को उसके नाव पर बिठाए रखूंगी। मामा पढ़ा लिखा तो है ना, अच्छा लड़का है, बाबा से कहकर कोई अच्छी जॉब दिलवा देंगे उसे। क्या तो तुम ठीक रही हो, सोचा जा सकता है इस पे। हाँ हाँ मम्मा कोई जल्दी नहीं है, ऐसे फैसले वैसे भी सोच समझ के करते हैं। ठीक है अब ये बातें करना छोड़ो और जाओ जाकर सो जाओ, मैं भी जा रही हूँ सोने। ठीक है गुड नाइट मामा। गुड नाइट। ले भाई तेरा काम तो खुद ही आसान हो रहा है। मुझे बहुत खुशी हो रही है। मुझे भी। जो सोचना है जल्दी सोच, टाइम जाया मत कर। इधर टाइम जाया हो रहा है उतना हमारे लिए खतरा बढ़ता जा रहा है। अरे शाबू, अरे बगैर सोचे कोई फैसला करना भी तो खतरा है ना। अरे उस्ताद तो इसको हम कहीं ठिकाने लगा देता हूँ। अरे तो उसका भाई को क्या बोलेगा? अरे उसके का हमको नहीं मालूम। और जब उसको लाश मिलेगा? अरे वो तुम्हारी तरह अकल से पैदल नहीं है। अरे उस्ताद तो वो क्यों सोचेगा हमने इसको मारा है? अरे शक तो जाएगा ना शाबू। अरे उसका किसी के साथ दुश्मनी भी नहीं है और किसी और को उसने बोला भी नहीं है। अरे जब कत्ल का केस में पुलिस पूछताछ करता है ना तो एक ना एक दिन कातिल तक पहुंच ही जाता है। अरे उस्ताद पुलिस तो वैसे भी पहुंच जाएगी। यही तो हम सोच रहा है कि वो किसी तरह हम तक ना पहुंचे। अरे हमको तो गाड़ी भी चाहिए सदाम खान से। अरे उस्ताद हमको तो हर तरह से जेल नजर आ रहा है। अरे एक काम कर, उसका भाई को फोन लगा दो। अरे उस्ताद क्या बोले इसको? अरे अरे उसको बोलो कि उसका बहन एयरपोर्ट जा रहा है और उसका साथ पैसल भी है और साथ और लोग भी है और गोली भी चल सकता है वहां पे, बल्कि रोक हम खुद बोलता है उसको। हेलो। हाँ शाबू क्या रिपोर्ट है? अरे हम बोल रहा हूँ नादिर। ये नादिर भाई क्या हाल है? हाँ साहब तुम्हारा बहन मुल्क से बाहर जा रहा है और उन लोगों को लगता है कि तुम कुछ करेंगा, इसलिए पैसल चार लोग और साथ असला भी लेके जा रहे हैं और हम बता रहे हैं तुमको अगर हम जाएंगे तो गोली भी चल सकता है। अरे उस तरफ से भी कोई मर सकता है और हमारा जान को भी खतरा है। हाँ क्या बोलता तू? देखो नादिर भाई अगर तुम ये खतरा मोल ले सकते हो तो मेरा तुमसे वादा है अगर उनकी तरफ से कोई बंदा मर गया तो तुम्हें छोड़वा लूँगा। पैसे तो वैसे भी मैं तुम्हें मुंह मांगे ही दूंगा। देखो सेठ, अरे हमको बंदा मारने से कोई डर नहीं लगता है, अगर गोली चलेगा ना तो तुम्हारा बहन भी उस गाड़ी में ही होएगा। नादिर भाई तुम एक काम करो, गोली सीधी शांजे को ही मार, शक भी सीधा उन्हीं पर जाएगा। देख लो साहब, गोली किसी का लिहाज मिहाज नहीं करता है, बस चलाने से पहले ही सोचना पड़ता है। चला दो गोली, नहीं चाहिए मुझे ये बहन। चलो ठीक है, बस समझो आपका काम हो गया। अच्छा अब हम जा रहे हैं साहब, वो लोग भी निकल रहे हैं। ठीक है ओके। मतलब उसका आना जाना होगा तो इंटरेस्ट भी पैदा होगा, ये अलग बात है कि उरूज में ना हो जाए। चलो उरूज ही सही। देखो यार आप किसी की पसंद तो चेंज नहीं कर सकते ना। मजाक कर रही हूँ यार, वो उरूज है ही क्या तुम्हारे आगे, हर वक्त सड़ी रहती है जैसे बीमार हो। अरे शाबू हमको तो लगता है कि सेठ सिर्फ अपना बहन को मरवाना चाहता है और केस उन पे डालना चाहता है। दादा तुम्हारा क्या मतलब है, हम उसको बोलेगा वो मान जाएगा? अरे नहीं शाबू, अरे हम उसको बोलेगा कि सिर्फ पैसल साथ था और जब हम उसको अगवा करने की कोशिश कर रहा था तो गोली चल गया। अरे जा जा थोड़ा दिल बहला ले तुम भी। तुम्हारा भी बात चलाऊं क्या, किरण भी है उधर, याद है क्या? नहीं यार अभी हम सिर्फ फुटबॉल पर ही फोकस करूंगा, अनकरीब कोई बड़ा खुशखबरी आने वाला है।
अरे वाह, मतलब हम सब अपनी ख्वाबों की मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। मम्मा कल आंटी की तरफ जा रही हैं। कल बुला लेना अपने लियारी के शहजादे को। मम्मा जा रही हैं आंटी की तरफ। क्या सच में? हाँ सच में, अभी सुनकर आ रही हूँ। मम्मा ने कहा तुम डिनर बना लेना, हम करके आएंगे। इसका मतलब है कि डैडी भी मम्मा के साथ ही जाएंगे? हाँ भाई, यही तो समझा रही हूँ तुम्हें। ठीक है फिर तो, लेकिन वैसे वो आने के लिए तो बहुत बेताब लग रहा था, और मुझे उसने ये भी कहा कि तुम जब भी कहोगी मैं आ जाऊंगा। लेकिन यार वो वाली बात नहीं लग रही थी, मतलब कि एक लड़की ने फ़ोन किया है और वो। यार वो वाली बात भी हो जाएगी, पहले ये वाली बात तो होने दो। ये वाली कौन सी? मतलब उसका आना जाना होगा तो इंटरेस्ट भी पैदा होगा, ये अलग बात है कि उरूज में ना हो जाए। चलो उरूज ही सही। देखो यार, आप किसी की पसंद तो चेंज नहीं कर सकते ना। मजाक कर रही हूँ यार, वो रूज है ही क्या तुम्हारे आगे, हर वक्त सड़ी रहती है जैसे बीमार हो। नहीं यार, वो बीमार नहीं, वो डिस्टर्ब है। उसके अब्बा ने दूसरी शादी जो कर ली है। तो भाई वो भी कर ले, मतलब उसकी भी हो जाएगी यार। लेकिन उसके लिए उरूज के पास कोई अच्छे ऑप्शंस भी तो होने चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि उसे कोई पसंद भी करता होगा। तुमने देखा तो है यूनिवर्सिटी वो कितनी सड़ी हुई हालत में जाती है, तो सादा से कपड़े पहनकर। हो सकता है ये सिर्फ हमारा ख्याल हो, ऐसा ना भी हो। हाँ ये भी सही कह रही हो तुम, हो तो सकता है। चलो खैर छोड़ो ये सब कुछ, मैं लियारी के शहजादे को तो कॉल करूँ। हेलो आरिदा, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ शाहिद साहब, आप कैसे हैं? अरे कुछ नहीं, हम तो बस अपने दोस्तों के पास जा रहा था अभी। अच्छा तो कल आए ना आप हमारे घर की तरफ भी। कल? हाँ क्यों, आपको कहीं जाना है क्या? नहीं हमको जाना तो नहीं है। चलो ठीक है, हम कल तुम्हारे पास आते हैं। ओके डन हो गया, मैं इंतजार करूँगी आपका, फिर कल मुलाकात होती है। हाँ ठीक है ठीक। ओके बाय। क्या कहा? क्या कहेगा, वो कल आ रहा है। चलो शुक्र है। अरे दादा तुमने उसको बोल तो दिया, अब आगे क्या होगा? अरे यही तो हम सोच रहे हैं। अरे दादा तुमने उसको बोला वो सब साथ जा रहा है, अब हम अकेली लड़की का लाश लेके जाएगा तो सेठ क्या समझेगा? अरे इन सबको कुछ नहीं हुआ और लड़की मर गया। अरे शाबू हमको तो लगता है कि सेठ सिर्फ अपना बहन को मरवाना चाहता है और केस उन पे डालना चाहता है। दादा तुम्हारा क्या मतलब है, हम उसको बोलेगा वो मान जाएगा? अरे नहीं शाबू, अरे हम उसको बोलेगा कि सिर्फ पैसल साथ था और जब हम उसको अगवा करने की कोशिश कर रहा था तो गोली चल गया। अरे वाह दादा, काम तो ठीक लगता है तुम्हारा। ला फिर दे फोन। किधर गया फोन यार? हाँ सेठ जी। नादिर भाई काम हुआ? काम हो गए। अरे मर गया लड़की। क्या शांजे मर गई? अरे तुमने बोला था। अरे हम उसको अगवा करने का कोशिश कर रहा था तो पैसल बीच में आ गया तो गोली चल गया हमसे। अब बोलो हम क्या करें? अब मैं क्या बोलूंगा, बहन तो तुमने हमारी मार दी और अब तुम उससे गाड़ी की डिमांड भी करोगे। अरे हाँ वो तो हम करेगा ना साहब, लेकिन अगर तू बोलता है कि हमने तुम्हारा बहन को मारा तो ठीक है, हम थाने में पेश हो जाएगा और जाके सब बोल देगा कि तुमने हमको बोला है, हमने पैसों का लालच में कर दिया। अब बोलो। अरे नहीं नहीं नादिर भाई, मैं मुकर नहीं रहा, मैं आपके साथ खड़ा हूं। अरे अरे हम इधर लाश लेके खड़ा हूं, बोलो क्या करना है।
क्या डेड बॉडी तुम्हारे पास है? हाँ तो क्या फेंक दे भी? तुम ऐसा करो कि लाश को किसी गली के कोने पर रख के भाग जाओ और मुझे फोन कर देना तो मैं वहां पुलिस लेकर पहुंच जाऊंगा। अरे साहब कुत्ते होते हैं वहां लहरी के। तुम अपना कोई बंदा वहां रखना जो ये बोले कि कुत्ते भौंक रहे थे तो हमने देखा लाश है और उन्होंने मुझे इत्तला दी। मैं पुलिस को फिर ये बताऊंगा कि इनसे मुझे पता चला था कि मैंने आपको बताया। अच्छा मतलब कि तुम हमको ही गवाह बनाना चाह रहे हैं? अरे भाई लियारी में मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी बहन का कत्ल हुआ है? मुझे ये साबित करने के लिए कोई गवाह तो चाहिए ना वहां से। हाँ ठीक है सेठ, ओके रखता हूँ फोन। ठीक है आप मुझे फोन करो जाके वो फेंक के। ठीक है ओके। चलो रे गाड़ी में बैठ। हाँ लेकिन हमको वो अच्छा नहीं लगता है, हमको उरूज पसंद है। अरे तुम कमाल है, जिंदगी में भी तुमको उरूज चाहिए, असली में भी तुमको उरूज चाहिए। अरे हमने इस उरूज के लिए तो सिर्फ लियारी की तरक्की का काब देखा है और हमको वो काब पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। तो फिर तुम जा रहे कल? चला जाए। अरे जा जा थोड़ा दिल बहला ले तुम भी। तुम्हारा भी बात चलाऊं क्या? किरण भी है उधर, याद है क्या? नहीं यार अभी हम सिर्फ फुटबॉल पर ही फोकस करूंगा, अनकरीब कोई बड़ा खुशखबरी आने वाला है। अरे वाह मतलब हम सब अपनी ख्वाबों की मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। मंजिल की तरफ तो उसी दिन से बढ़ना शुरू कर दिया था जिस दिन से हम लोगों ने फैसला किया था। और दिलावर तू एक बहुत अच्छा खिलाड़ी है, जीत तेरा ही होगा। हाँ इंशाल्लाह। सब लगता है सफर खत्म होने ही वाला है, हम लोगों ने एक दूसरे को बहुत मोटिवेट किया है, अब लगता है मंजिल करीब ही है। अरे मंजिलें करीब ही होती हैं, बस रास्ता लंबा होता है। चाहे हम लोग सफर कराए है अब बस कामयाबी होएगा इंशाल्लाह। वैसे यार अब अपन लोगों को ना शादी का सोचना चाहिए। बहुत असर हो गया इसके ऊपर चाचा सज्जाद के घर जाने का, देख इसको शादी का भी ख्याल आ रहा है। अरे ये भी जिंदगी का एक हिस्सा है, फैमिली भी सपोर्ट होता है ना अपना। हाँ लेकिन अभी हम तो सिर्फ गेम पर फोकस करना चाहता हूँ, बाकी जो दस्तूरे दुनिया है वो तो चलता ही रहेगा। अरे यार सही बोल रहा दिलावर, पहले हमको अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए, अपना लिए अपने घर वाला के लिए अपने लियारी के लोगों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। मेरा बात को याद रखना तुम लोग। चलो अभी नींद आ रहा है तुम्हारा, बात याद करेगा सोते हैं। चलो आ जाओ। अरे चाय छोड़ दिया है? अरे छोड़ो यार आज अच्छा नहीं है। ओ, पैसे नहीं देगा? अरे लेट होता था लेकिन इतना लेट कभी भी नहीं हुआ है। हमारा दिल बेचैन हो रहा है, लड़का है वो उसको एहसास ही नहीं है। हम तो माँ है ना, हमको तो परेशानी होएगा, अल्लाह खैर करे। अब्बा हमने तुमको हजार बार बोला है जो हम कर रहे हैं इसी में हम सबका फायदा है। अरे यही तो हम पूछ रहा हूँ, कब होगा फायदा? हाँ तुम तो बोलता था पाकिस्तान टीम में खेलेगा, बाहर मुल्क जाएगा, बड़ा पैसा मिलेगा। कब मिलेगा पैसा? अब तो हम कब देख देख के थक गया हूँ, अब तो ख्वाब भी नहीं आता ऐसा जो हम ख्वाब में ही खुश हो जावे। अरे हम भी बोल दिया उसको कि तुम भी फंसेगा, हवा निकल गया था उसका। लेकिन उस्ताद वो पैसे वाला आदमी है, कुछ भी कर सकते हैं। अरे शाबू तू हमारा ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ा रहे है? अरे जो होना तो वो हो गया, एक काम कर दिया हमने, अभी सोचना छोड़ो।
क्या हुआ माँ, अभी तक सोया नहीं तुम? नहीं सोया, 4 बज गए, अभी तक घर नहीं आया नादर, फोन भी नहीं उठा रहा है, इतना रात हो गया है, कहाँ जाए, किससे पूछे उसका? मैं तो ऐसे परेशान हूँ कि क्यों घूम रहा है तुम, कौन सा पहली दफा लेट आ रहा है, चलो सो जाओ। अरे लेट होता था, लेकिन इतना लेट कभी भी नहीं हुआ है, हमारा दिल बेचैन हो रहा है, लड़का है वो, उसको एहसास ही नहीं है, हम तो माँ है ना, हमको तो परेशानी होएगा, अल्लाह खैर करे। अम्मा कह रही होगा, अभी तुमको वहम हो गया, चलो अभी सो जाओ। हमको परेशान नहीं करो, हम नादिर की वजह से पहले ही परेशान है, तुम सो जाओ, हमको नींद आएगा, हम भी सो जाएंगा। ठीक है अम्मा, जैसे तुम्हारा मर्जी, वैसे आ जाएगा नादिर भाई, बच्चा नहीं है, हम तो सो रहा हूँ। आ तो तुम सो, तुमको कौन मना कर रहा है, हमको परेशान नहीं करो, हम नादिर की वजह से वैसे ही परेशान है। आ रहा है, आ रहा है। लो दिलावर का माँ, आ गया तुम्हारा लाडला, पूछो इससे समंदर पे क्यों नहीं आता है। अरे तुम बैठो इधर, हमको एक बात बताओ, कब समझेगा तुम? हमारा जिंदगी में नहीं समझा तो क्या फायदा हुआ तुझे पढ़ाने लिखाने का, तेरा जवान होने का? अब हमने तुमको 1000 बार बोला है, जो हम कर रहे हैं इसी में हम सबका फायदा है। अरे यही तो हम पूछ रहा हूँ, कब कब होगा फायदा? हाँ तुम तो बोलता था पाकिस्तान टीम में खेलेगा, बाहर मुल्क जाएगा, बड़ा पैसा मिलेगा, कब मिलेगा पैसा? अब तो हम कब देख देख के थक गया हूँ, अब तो ख्वाब भी नहीं आता ऐसा जो हम ख्वाब में ही खुश हो जावे। अब्बा तुम फिक्र ना करो, हमको अपना कामयाबी बहुत करीब दिखाई दे रहा है। तुम्हारा कामयाबी तुम्हें सामने दिख रहा है, इधर हम मरने वाला हो गया है, बुढ़ा हो गया है। अब्बा जहाँ इतना इंतजार किया है वहां कुछ ही दिनों का बात है, हमको पता है ना सब बदल जाएगा। अब्बा हमारा कामयाबी ज्यादा दूर नहीं है। अरे एक बात सुनो, तुम लोग का वक्त जब तक नहीं आ जाता ना, तुम हमारा साथ चलो समंदर पे मछलियां पकड़ने, पहले तो आ जाता था शाहिद के साथ, अब तो वो भी नहीं आता है। अब्बा अभी हम प्रैक्टिस कर रहा होता हूँ। अरे क्या प्रैक्टिस प्रैक्टिस बोलता है? अब्बा इससे आदमी पक्का होता है अपने काम में, खेल अच्छा होता है। अरे तुम इतना अरसा में नहीं सीखा तो अब क्या सीखेगा, इतना टाइम जाया किया तुमने। जाया नहीं किया है अब्बा, तुम समझ नहीं रहे। अरे हम सब समझता हूँ, बाप को समझाएगा तुम? अरे अब्बा हमको 1 महीना और दे दो, अगर हम फुटबॉलर बन गया तो ठीक, नहीं तो फिर हम चलेगा तुम्हारे साथ, चल के मछलियां पकड़ेगा, रोजाना पकड़ेगा, एक भी दिन छुट्टी नहीं करेगा, वादा है हमारा। अपना वादा याद रखना, मुकर नहीं जाना आज से। फुटबॉल खेलेगा, इंटरनेशनल प्लेयर बनेगा। उस्ताद कहीं हम फंस ना जावे? हमको भी यही लग रहा है, ये जो सेठ है ना ये बहुत तेज लगता है हमको, कहीं हमें ही ना फंसा दे। अरे हम भी बोल दिया उसको कि तुम भी फंसेगा, हवा निकल गया था उसका। लेकिन उस्ताद वो पैसे वाला आदमी है, कुछ भी कर सकते हैं। अरे शाबू, अरे शाबू तू हमारा ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ा रहा है? अरे जो होना तो वो हो गया, एक काम कर दिया हमने, अभी सोचना छोड़ो, अभी देखेगा जो भी होएगा भुगतेगा हम। अरे उस्ताद
हम तुम्हारे साथ है ना, लेकिन अरे साहब छोड़ो, तुम फोन किया तुम उसको? किया था उस्ताद, कह रहा था पुलिस लेके आएगा। तो बस ठीक है फिर। साबू इससे एक फायदा हमें होएगा कि फैसल जाएगा पक्का पक्का अंदर। हाँ फैसल उससे बदला ले रहे ना, उसकी बहन उसके घर में रही है। अरे वो तो शायद के घर पे पिता। लेकिन उस्ताद हो सकता है फैसल ने आगे से कोई धमकी दिया हो। हाँ तो दिया हो, लेकिन अंदर तो वही जाएंगे ना। अच्छा दादा ये तो बताओ गाड़ी कब देगा हमको? शाबू बस एक दफा काम हो जाए, फैसल अंदर चला जाए ना, फिर हम पूछेगा उससे, बोलेगा उसको हाँ भाई हमारा गाड़ी किधर है, कभी आएगा। हाँ ये भी ठीक है साथ। अरे नादिर भाई, नादिर भाई। हाँ चन्नी। पुलिस आए मोहल्ले में। पुलिस आ गया? हाँ सब याद है ना जो समझाया था? हाँ भाई याद है। ज्यादा नहीं बोलना, जितना बताया उतना बोलना। ठीक है। ज्यादा बोलेगा तो गलती का चांस उतना ज्यादा होएगा। ठीक है भाई समझा। चल अब जा। अरे उस्ताद तुम मरवाएगा यार, तुमने चन्नी को काम दे दिया। बाबू आवाज नीचे। इसका मतलब है कि आपको पहले से पता था कि आपकी बहन यहाँ है? जी मुझे पता चल गया था, मैं मिलने भी आया था, मैंने बहुत रिक्वेस्ट की कि मुझे मिलने दो, मगर मुझे मिलने नहीं दिया आप। अरे क्या बात कर रहे हैं आप, ऐसा क्या हुआ है? ताने चल तेरे को सब समझाता हूँ क्या कर रहे हैं। अरे ताने क्यों, हमने क्या किया? अरे हमको बताओ तो सही हमारा जुर्म क्या है और तुम लोगों के पास क्या सबूत है? हाँ तेरा जुर्म क्या है तेरे को नहीं पता है? हमारा बच्चा को ले गया पुलिस वाला। अरे कैसा हो गया ये सब, अरे किसने किया होगा? हमको क्या पता, अभी तो हमारे बेटे पे कत्ल का इल्जाम आ गया। शांसे से कहा था कि ये अच्छे लोग नहीं है जिन पे बस्ट कर रही है। इसका मतलब है कि आपको पहले से पता था कि आपकी बहन यहाँ है? जी मुझे पता चल गया था, मैं मिलने भी आया था, मैंने बहुत रिक्वेस्ट की कि मुझे मिलने दो, मगर मुझे मिलने नहीं दिया। आप कहा कि दो दिन बाद जवाब दे, और दो दिन के बाद उन्होंने मेरी बहन को ही मार दी। आप बिल्कुल बेफिक्र रहे, हम इन मुजरिमों को छोड़ेंगे नहीं। बहन तो मर गई, मेरा आपसे वादा है आपको इंसाफ जरूर मिलेगा। आप हौसला करें प्लीज, तुम लोग ऐसा करो कि लाश को फौरन लेके पोस्टमार्टम के लिए ले जाओ और इनका बयान रिकॉर्ड करो। ठीक है, हम बाकी मुजरिमों को भी थाने लेके जाते हैं और अभी इंक्वायरी होती रहेगी और इंशाल्लाह अच्छा ही नतीजा आएगा। हिम्मत करें प्लीज। Thank you.
अरे आ गया। फैसल तेरा नाम है ना? जी। शान से कहाँ है? तो गया सुबह। किधर गया? मुल्क से बाहर गया है। मुल्क से बाहर गया या तूने उसको दुनिया से बाहर कर दिया है? अरे क्या बात कर रहे हैं आप, ऐसा क्या हुआ है? ताने चल, तेरे को सब समझाता हूँ क्या कर रहे हैं। अरे ताने क्यों, हमने क्या किया? अरे हमको बताओ तो सही, हमारा जुर्म क्या है और तुम लोगों के पास क्या सबूत है? हाँ तेरा जुर्म क्या है तेरे को नहीं पता? कसूर तेरा ये है कि तूने शांजे का कत्ल किया, और सबूत तेरे को थाने चल के दूंगा। ऐसे जो साहब, इसके साथ इसके दादा को भी लेके चले, असल मास्टरमाइंड तो वही है। अरे पहले इसकी इंक्वायरी तो हो जाए, उस मैडम की रिपोर्ट आने के बाद इसके दादा को भी उठा लेंगे। जब पोता हमारे कब्जे में होगा तो दादा क्या करेगा? अरे एक मिनट आज तो छोड़ो, हम अम्मा को और दादा को बता के आवे। हाँ जा बता करा। हाँ चलो अब थाने। अब्बा 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 क्या हो रहा है? हम बोलते ना कुछ गलत हो जाएगा, तुम छोड़ कर आओ उसको। क्या हुआ, क्या है? लड़की का कत्ल हो गया है और तुम इधर आराम से सोए आए। पुलिस हमारा बच्चा को ले गई है, फैसल को। अरे क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है? हमारा बच्चा को ले गया पुलिस वाला। अरे कैसे हो गया ये सब? अरे किसने किया होगा? हमको क्या पता, अभी तो हमारे बेटे पे कत्ल का इल्जाम आ गया। अरे कुछ नहीं होगा फैसल को, साजिश है ये। किसने किया ये साजिश, हमको क्या पता, कब साबित हो गई? मगर हमारा बच्चा तो जेल के अंदर चला गया ना। अरे हमने समझाया था लड़की को कि घर चला जाओ अपना भाई के पास, लेकिन समझ नहीं आया उसको। तो क्या उसका भाई ने मरवाया? हाँ, उसके अलावा और किसका दुश्मनी होएगा उस लड़की से? उसको देख के तो हमको भी ऐसा लगता था, अरे जैसे वो कुछ भी कर सकता है। पहले हमको भी धमकी दे रहा था वो। तो तुमने हमको बताया क्यों नहीं कि वो लड़की को धमकी दे रहा है, हम उसको नहीं भेजता? अरे मारने का धमकी नहीं दिया, जवान बच्ची की जान ले ली जालिमों ने, हमारा बच्चा को फंसा दिया जेल में। कितना प्यारा बच्ची था, हमको अम्मा अम्मा बोलता था हम तुम्हारे पास आएगा मिलने के लिए। अब तो वो पक्का पक्का चला गया, हमसे रूट गया, अभी हमको भी अल्लाह माफ नहीं करेगा। हमको बताओ कि तुम्हारे दोस्त को पुलिस क्यों पकड़ के ले गया? अरे अम्मा वो लड़की नहीं है, नौशीन का दोस्त, उसका कत्ल हो गया है। हाय कत्ल? कत्ल? कत्ल का केस है, थोड़ा लंबा चलेगा। क्या मतलब है तुम्हारा, हमारा बच्चा जेल जाएगा? अरे ये मतलब नहीं है, हम कैसे अपना बेटे को जेल जाने देगा, हमें कोशिश करना पड़ेगा बहुत। और फिर उसके बाद तुम लोगों के पास आके बैठ गया, रात भर बैठा रहा, तुम लोगों के साथ बात किया, चाय माय पिया, तुम लोगों को याद नहीं है? अरे तुम हमको क्यों सफाइयां दे रहा है, तुमको क्यों लगता है कि हमको तुम पर शक है? अरे नहीं, हम बस बता रहा हूँ। अरे तुम्हें नहीं पता कि हमें पता है कि ये तुम्हारे खिलाफ साजिश है? कि मुद्दई को शक क्या, बल्कि पूरा यकीन है कि कत्ल फैसल ने ही किया है। अरे फिर तो वो कन्फर्म फैसल को फंसा रहा है। उसकी बहन का कत्ल हुआ है, गवाह है उसके पास, लाश मिली है, अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है तो वो लाके मुझे दिखाओ। फैसल ने अपना घर में ही मार दिया? ये तो हमको नहीं पता, लेकिन अम्मा पूरा लियारी में यही कबर चल रहा है, तुमको कुछ नहीं पता? स्कूल में एक एक बच्चा हमको एक कहानी सुना रहा था।
हमारा समझ में नहीं आ रहा पैसल उसको क्यों मारेगा। वो कह रहा था कि उसके भाई ने बोल दिया कि कातिल पैसल ही है और उसके पास सबूत भी है। वो ताकतवर बंदा है और कानून तो यहाँ ताकतवर लोगों का होता है बस। कभी कभी तो हमको लगता है कि दुनिया में सिर्फ ताकतवर का कानून है। कोई ना कोई सबूत तो मिल ही जाएगा। फुटेज तो हमने दो तीन जगहों से लिया है। लड़की लियारी से अकेली गई है, वो भी टैक्सी में, फिर उसके बाद कहाँ गई ये नहीं मालूम। लेकिन इतना सा सबूत तो पुलिस वाला नहीं मानेगा। कैरियत तो नहीं है, वो फैसल थाने में है। थाने में बंद है? किसको मारा पीटा है उसने? नहीं, उस पर इल्ज़ाम है, उसने कत्ल किया है। कत्ल का इल्ज़ाम है? देखो सेठ, तुमने हमको बोला कि लड़की को मार दो, हमने लड़की को मार दिया है, और तुम हमको बोला था तुम हमारा काम करेगा, अब लाओ हमारा गाड़ी किधर है? देखे नादिर भाई, आपको लड़की मारने का नहीं, उठाकर लाने का काम दिया, आपने तो मेरी बहन को मार ही दिया। कुछ भी नहीं है नामुमकिन, सबसे आगे निकलना है, अपना वक्त बदलना है, हम भी मारा मारी है, कोशिश अपनी जारी है। यार में सब कुछ वारेंगे, इश्क में बाजी मारेंगे, चाहत की हर बात हसी, दोस्त नहीं तो कुछ भी नहीं, मंजिल तक तो जाना है, रास्ता बड़ा पुराना है, लियारी से किवाड़ी, लियारी से किवाड़ी। को नाप लिया रास्ता हमने, नाप लिया।